नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप एक बैचलर हैं और आप बहुत कोशिश कर चुके हैं अपनी शादी के लिए, लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो अरमान है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस वीडियो में मैं जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, एकदम राइट, एकदम सही इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो है। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर वाराणसी का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश वाराणसी का मैं रहने वाला हूं, और जिस जगह के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये वाराणसी से ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास का एक जगह है जहां पर स्पेशल कुछ जनजाति के लोग रहते हैं, कुछ स्पेशल जाति के लोग रहते हैं, और वो अपनी लड़कियों की शादी दहेज लेकर करते हैं। यहाँ पर उल्टा सिस्टम चलता है, यहाँ पर लड़के वालों को दहेज दिया नहीं जाता, बल्कि लड़के वालों से दहेज लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर शादी हो जाती है। आप किसी भी कास्ट के होंगे, ये जनजाति के लोग किसी कास्ट को नहीं मानते हैं, आप किसी भी कास्ट के होंगे, अगर आप वहाँ पर सामने से पहुँचेंगे और आप प्रपोजल रखेंगे, बहुत सारी फैमिलीज आपको मिलेंगी। एक स्पेशल जगह है, एक बस्ती है जहाँ पूरी बस्ती ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। वहाँ पर आप किसी के भी घर में जाकर सामने से प्रपोजल रख सकते हैं कि मैं आपकी बेटी से या आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा आप मुझे बताइए। तो सामने वाला उसका जो डिमांड होगा वो आपको बताएगा। अगर आप उस डिमांड को पूरा कर देते हैं तो आपकी शादी वो अपनी लड़की से, अपनी बहन से बड़ी आसानी से कर देगा और आप एक खुशहाल जीवन, शादीशुदा जीवन बिता सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और भी कहना चाहता हूं आपको कि ये जो अमाउंट होता है, आप इससे डरिए मत कि यहां पर दहेज देना होता है, तो ये बहुत लंबा अमाउंट कोई नहीं होता है। ये लोग जो है 5-10 लाख 20 लाख नहीं मांगते हैं, ये बहुत कम बजट का अमाउंट होता है और नॉर्मली आप इसको मान के चलिए कि बहुत कम ही होता है, 20,000 25,000 50,000 1 लाख इससे ऊपर नहीं होता है, तो बहुत कम बजट का अमाउंट होता है। और लेकिन आपको लड़की एकदम जो है परफेक्ट लड़की, कम एज की लड़की, 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की भी लड़की मिल जाएगी और एकदम आसानी से आप शादी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के उसी जगह, उसी बस्ती का नाम बताने वाला हूं जहां पर कोई भी आकर बहुत आसानी से शादी कर सकता है। और आपको जब मैं बता दूंगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बताने से पहले कि ये जगह कौन सी है, कैसे आप वहां जा सकते हैं, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो लड़कियां हैं दोस्तों, ये सारी लड़कियां एक तरीके से अगर देखा जाए तो नाचने का काम करती हैं। ये सारी जो लड़कियां हैं ये ऑर्केस्ट्रा में, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हर जगह पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है शादियों में, पार्टियों में, तो ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का, एज अ डांसर नाचने वाली ये लड़कियां होती हैं। वैसे ये काम ये लड़कियां मजबूरी में करती हैं, अगर इनको सही पार्टनर मिल जाता है, सही कोई बंदा मिल जाता है शादी के लिए, तो उससे शादी करके अपना घर बसा लेती हैं। इनके घर वाले कुछ पैसा दहेज में लेकर अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये लड़कियां जो हैं ये डांसर हैं, ऑर्केस्ट्रा में ये डांस करती हैं, ये बात मैं पहले आपको बता दे रहा हूं क्योंकि ये बात बताना बहुत जरूरी था। और ये सारी लड़कियां, आप जैसा कि जानते हैं कि जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियां होती हैं उनकी शादी जल्दी नहीं होती है, या उनसे जो है नॉर्मल लोग कोई भी शादी नहीं करते हैं, उनको गलत समझते हैं, रॉन्ग समझते हैं, उनको चरित्रहीन समझते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़कियां केवल अपने घर का, परिवार का खर्च चलाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, एज अ डांसर पार्टियों में, फंक्शंस में जाकर डांस करती हैं, लेकिन ये खुद बहुत अच्छी होती हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि लास्ट में आपको वहां जाने के बाद, मिलने के बाद पता चलेगा तो आप कहेंगे कि यार मैंने आपको ये बात नहीं बताया। तो दोस्तों, ये नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं ये डांसर्स हैं। और अब मैं आपको उस जगह का नाम बताने वाला हूं, मैं प्रॉपर वाराणसी का रहने वाला हूं और ये जगह है रामनगर। जी हां, वाराणसी से जस्ट बगल में ही रामनगर है, ज्यादा दूर नहीं है, वाराणसी गंगा उस पार रामनगर किला है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप बता दूं मैं आपको। और रामनगर में आप जाकर जब किसी से भी पूछेंगे कि भैया मुझे उस बस्ती का एड्रेस बता दो, पता जहां पर सब ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियां रहती हैं, उनकी फैमिली रहती है, तो रामनगर में एक पर्टिकुलर एक बस्ती है, एक मोहल्ला पूरा है जहां पर ऐसे ही टाइप के लोग हैं। वहां पर जितने भी घरों में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी लड़कियां शादियों में, फंक्शंस में, ऑर्केस्ट्रा में, म्यूजिकल इवेंट्स में डांस करने का काम करती हैं। और ये इनके जो परिवार वाले हैं, ये इनकी शादियां नॉर्मल या तो ये खुद से लव मैरिज कर लेती हैं, या तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सामने से पहुंचकर शादी का प्रपोजल रखता है और उसके बाद जो भी इनके माँ बाप का डिमांड होता है, 10,000 20,000 25,000 50,000 1 लाख, वो उसको वहां पर देता है। और रामनगर में एक बहुत फेमस मंदिर है, उस मंदिर में बकायदे सारे घर वालों के सामने उस लड़की से वो विवाह करके, शादी करके और अपने घर लेके जा सकता है। दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रामनगर जाकर इस बारे में देख सकते हैं। वहां पर आपको एक पूरा का पूरा मोहल्ला मिलेगा जहां पर नाचने वाली लड़कियां रहती हैं। उनका ये काम तो गलत समझा जाता है समाज की नजर में, लोगों की नजर में, लेकिन मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि अगर आपकी शादी कहीं नहीं हो पा रही है, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा भी आप बर्बाद कर चुके हैं, इनके उनके मैट्रिमोनियल वेबसाइट में,
सरकारी ब्यूरो में दलाल को, एजेंट को आप बहुत सारा पैसा दे चुके हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। नाचना या डांस करना कोई गलत काम नहीं होता है, ये एक आर्ट, एक कला होती है, लेकिन समाज की नज़र में लोग इसको गलत समझते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद वाराणसी का हूँ, रामनगर मेरे, मैं बाइक से जाता हूँ तो 15-20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। मैं खुद जाकर वहाँ पर कई बार जाकर मैं सारे लोगों को देख चुका हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ रहती हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो, और उनसे आप बड़ी आसानी से अगर आप शादी का प्रपोजल, क्योंकि नॉर्मल लोग इनसे शादी नहीं करना चाहते, जो बड़े लोग अच्छे लोग, ये लोग जो बनते हैं अपने आप को शरीफ बनते हैं, सफ़ेद पोश बनते हैं, वो ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए इन लोगों की शादी नॉर्मल होती नहीं है। जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है वैसे इन लोगों की भी शादी नहीं होती है। तो ऐसे में जब वहाँ पहुँचकर आप प्रपोजल रखेंगे, आपका सब कुछ ठीक रहेगा, आप अच्छा कमाते खाते रहेंगे, तो इनके माँ बाप जो है कुछ पैसा लेते हैं, क्योंकि ये लोग नॉर्मली गरीबी होते हैं, और उसके बाद अपनी लड़की की शादी आपसे कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपकी शादी कहीं नहीं हो पा रही है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी दलाल, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, मैरिज ब्यूरो के चक्कर में ना पड़ें, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बहुत फेक प्रोफाइल्स हैं उनके चक्कर में ना पड़ें। आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आकर गंगा उस पर रामनगर करके एक शहर है, एक जगह है, रामनगर जाकर जब आप इन सारी बातों के बारे में किसी से भी पूछेंगे तो आपको कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हाँ भैया वो एड्रेस वहाँ है, और वो बस्ती नाचने वाली जितनी डांसर लड़कियों की फैमिली है वो कहाँ रहती है, और वहाँ पहुँचकर आपको खुद ही कोई डरना नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है। आप शादी की बात करने जा रहे हो, आपको देखना एक दो चार दस फैमिली जिसको भी आप मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो देख सकते हो, और जो लड़की आपको पसंद है उसके घर वालों से आप बिना किसी डर के बात करके उनका जो डिमांड है उसको आप पूरा करके और शादी कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर वो कहेंगे कि 50,000 में चाहिए, 25,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए, तो वो अमाउंट आपको देना होगा, उसको दिए बिना आप शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस अमाउंट को दे दिया तो कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फेक नहीं है, घर वाले आपका बाकायदे मंदिर में एकदम सामाजिक तरीके से आपकी शादी करा देंगे, और आप उस लड़की को लेकर अपने घर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा यार तो लाइक जरूर करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप उनसे फिर मिलूंगा किसी बहुत काम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।